सब थोड़ा सा साइड। अरे कहाँ है भाई, कंग्रेचुलेशन संदीप सर। बहुत खुशी है कि इतना प्यार मिला है, फिल्म को इतनी इज्जत मिली है। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सॉरी सर, मैं इनका एक बाइट कर लूँ? एक मिनट, मैं इनका बाइट कर लेता हूँ। हाँ जी सर, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत खुशी है कि इतना प्यार मिला है फिल्म को, इतनी इज्जत मिली है और इतने लोग देखकर फिल्म को पसंद कर रहे हैं। सो वेरी वेरी हैप्पी एंड ईश्वर की दया है, कृपा है, और लोग देखें, प्रेरणा लें फिल्म से। मोदी जी के जीवन का एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि लोग अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं फिल्म दिखाने के लिए, और बहुत सारे यूथ फीडबैक ये दे रहे हैं कि वो बहुत प्रेरित हैं कि उनको भी मोदी जी के किस्म की क्लीन पॉलिटिक्स करना है और उनको भी ये जेन्युइनली देश सेवा की तरह से, देशभक्ति की तरह से पॉलिटिक्स में एंट्री करनी है, नॉट जस्ट एज अ करियर और नॉट जस्ट एज अ स्टेटस सिम्बल। तो बहुत खुशी है। कितना वक्त मिला आपको पीएम के साथ टाइम बताएंगे, क्या उन पर मूवी कर रहे थे, कितना आप उनको करीब से जान पाए, जो वो सब चीज़ जो आम लोग नहीं जानते, क्या वो जानने का मौका मिला आपको? मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं नरेंद्र भाई को तब से जानता हूँ जब वो गुजरात के सीएम थे, और तब से कई बार हम मिले, कई बार उनसे बहुत कुछ समझने का, सीखने का, सुनने का, उनकी विचारधारा समझने का, उनके विजन समझने का मौका मिला, और वो सारी बातें कहीं ना कहीं हमने फिल्म में लाने की कोशिश की है। और लोग इसे देखकर, सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों का दो रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन ये होता है कि लोग कहते हैं कि 20 मिनट के बाद हमें लगता है कि हम विवेक ओबरॉय नहीं, हम पीएम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। तो ये सुनकर एक एक्टर को बहुत खुशी होती है। दूसरी बात, बहुत लोग बाहर आकर कहते हैं यार हमें पता ही नहीं था कि मोदी जी की लाइफ में ये सब भी हुआ, और उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिल रही है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे देश के लिए कुछ करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई बहुत बड़ा फैंसी सरनेम हो, या मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हूँ, या मैं अगर कोई कास्ट में पैदा हूँ तो मुझे सिर्फ वो कास्ट की पॉलिटिक्स खेलनी है। तो अगर हम सेवा की तरह पॉलिटिक्स को लें, जो मोदी जी ने किया, तो देश का भी भला होगा, और जब देश का भला होगा तो लोग अपने आप आपको वो दर्जा देंगे जो आज दे रहे हैं मोदी जी को। युग पुरुष बन गए हैं वो। थैंक यू सो मच दिस। आई डिडंट रियलाइज दैट एक्चुअली वाज ट्रैवलिंग। आई डिडंट नो। हाँ, तो मैं नहीं था, बट आई डिडंट नो दिनयार भाई पास्ड अवे। इट्स वेरी सैड टू हियर, ही वाज अ लेजेंड। मैंने उनके साथ स्कूल कॉलेज के दिनों से थोड़ा थोड़ा थिएटर किया दिनयार भाई के साथ। कॉमेडी में उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता था। बहुत कमाल के कॉमिक राइटर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे, और स्टेज पे तो उन्होंने अपना दबदबा कई सालों बनाए रखा। बहुत दुख होता है कि हमारी इंडस्ट्री हैज़ लॉस्ट अ वंडरफुल पर्सन एंड अ फैंटास्टिक टैलेंट लाइक दिनयार भाई। जय हिंद।